माननीय श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर। मेरा स्पेशल मेंशन देश में बुजुर्गों की जो स्थिति है उसके ऊपर है। देश में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उन्हें अकेला छोड़ देने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वृद्ध व्यक्ति समाज के लिए संपत्ति की तरह होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को बरगद की छांव का दर्जा दिया जाता है मानवर, लेकिन उसी समाज की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पिछले कुछ साल पहले दिल्ली के गैर सरकारी संगठन एज वेल फाउंडेशन ने देश के 20 राज्यों में 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वेक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट डराने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 23% यानी देश का हर चौथा बुजुर्ग देश में अकेला रहने को मजबूर है। यह बुराई केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि रिपोर्ट कहती है कि लगभग 21% बुजुर्ग गांवों में जबकि 25% बुजुर्ग शहरों में अकेले रह रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। देश में बुजुर्ग माँ बाप या वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। महोदय, बुजुर्गों की यह स्थिति देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बुजुर्गों और माता पिता को छोड़ने और उनके साथ मारपीट से बचाव हेतु एक सकारात्मक प्रावधान और कानून लाया जाए और बुजुर्गों के सामाजिक और आर्थिक हित को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद माननीय संजय जी।